हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज दोस्तों मेरे पास है ये 3 LED स्ट्रिप के 20 मॉड्यूल जो मैंने अमेजोन से मंगाए हैं 240 रुपए में। और आज जो मैं अपनी सेंटरों में मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ इंटीरियर में, तो उसके लिए मुझे 4 मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। एक मॉड्यूल पड़ा है मुझे ये 12 रुपए का, 4 मॉड्यूल हो गए 48 रुपए के। सिर्फ 48 रुपए में अपनी सेंटरों को बनाने वाला हूँ अंदर से झकास। तो चलो करते हैं जल्दी से इसको इंस्टॉल। तो अब मैं इसमें से निकाल लेता हूँ जल्दी से 4 मॉड्यूल, इसको रखता हूँ साइड पे। और ये मैंने निकाल लिए इसमें से 4 मॉड्यूल। अब मैं इनको भी अलग अलग करूंगा यहाँ से सिंगल सिंगल, क्योंकि 2 मुझे लगाने हैं डैशबोर्ड के नीचे और 2 लगाने हैं मुझे अपनी सीट के नीचे। ये चारों हो गए अलग अलग। वायरिंग अभी छोटी है इसकी, तो मुझे वायरिंग करनी होगी थोड़ी लंबी। पहले मैं इसकी थोड़ी सी वायरिंग करूंगा। मेरे पास घर में पड़ी थी ये वाली वायर, तो मैं इसको यूज करने वाला हूँ। जो मुझे आगे डैशबोर्ड के नीचे लगानी है 2 मॉड्यूल, तो उसके लिए तो एक वायरिंग मेरी हो चुकी है। एक इधर लग जाएगी डैशबोर्ड के नीचे और एक इधर लग जाएगी। अब मुझे लगानी है पीछे सीट के नीचे, तो उसके लिए भी मुझे वायरिंग इसकी थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी। तो पहले मैं वो वायरिंग कर लेता हूँ। इसकी जितनी भी वायरिंग मैंने की है, मैं उसको अच्छे से पहले टेपिंग करूंगा। ये ब्लैक टेप है मेरे पास, मैंने इसकी वायरिंग और टेपिंग पूरी कंप्लीट कर दी है चारों मॉड्यूल की। और अब करूंगा मैं इसको इंस्टॉल। एक मॉड्यूल तो मैंने यहाँ पे चिपका दिया है और इसकी वायर मैंने यहाँ से अंदर ली है। इसके लिए मैंने इसको खोला नहीं है, बस जरा सा ऐसे ऊपर उठाया और वायर अंदर घुसा दी और ऐसे ही फिर और ये वायर इसके अंदर घुसा दी बस ऐसे ही। इसे खोलने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे फिर। और इधर से ही ये दूसरी सीट के नीचे एक मॉड्यूल यहाँ पे लगा दिया और सीट के नीचे से वायर लेके और इसके अंदर ऐसे ही घुसा दी मैंने। इसको खोला नहीं है और खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस ऐसे ही इसके यहाँ अंदर से ऐसे घुसा के इधर से वायर गई और यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक ये वायर मैंने यहाँ से निकाली। फिर यहाँ से हमारा आ जाता है तीसरा मॉड्यूल जो डैशबोर्ड के नीचे लगाया मैंने। ये देख लो, ये लगा हुआ है। और फिर इसके आगे की वायर मैंने यहाँ से निकाल दी है ये। और फिर इसके बाद यहाँ से वायर अंदर घुसा के और फिर इधर निकाल दिए और फिर यहाँ से ये वायर आई है हमारी उधर से अंदर ही अंदर। और चौथा मॉड्यूल मैंने यहाँ चिपका दिया है इसके ऊपर। और जो इस मॉड्यूल में हमारे 2 वायर निकले हुए, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव वाला है वो मैंने यहाँ इस पेच में लगा दिया है और इसका ये पॉजिटिव वाला वायर मैंने अंदर से लेके और यहाँ ऊपर डैशबोर्ड पे एक वो लगा दिया है स्विच। ये वाला स्विच लगाया है मैंने, इसमें मैंने एक बैटरी से कनेक्शन लिया है, तो यहाँ पे उस स्विच में एक पॉजिटिव वायर लगाया है और जो मॉड्यूल का वायर है वो लगाया है। तो इस स्विच से ये पूरा काम करता है मेरा। जब मुझे ज़रूरत होगी इसको जलाने की तो मैं इसको ऑन कर दूंगा और जब ऑफ करना होगा तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। अब मैं इसको जला के दिखा देता हूँ आपको। ये हमारी LED स्ट्रिप ऑन हो चुकी है, ये इधर वाली भी और इधर वाली भी, और ये सीट के नीचे भी हमारी लाइट जल चुकी है। दोस्तों अभी तो मैंने लाइट ऑफ कर दी है क्योंकि इतना मज़ा नहीं आ रहा, दिन का टाइम है, सूरज निकला हुआ है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो अभी रात होने का इंतजार करते हैं और तब एक शॉट लेते हैं, तब देखते हैं हमारी गाड़ी में 48 रुपये में मज़ा आया है या नहीं आया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।